इस वीडियो में बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके नाम का पहला अल्फाबेट सी है, क्योंकि सी जो है नंबर सिस्टम के हिसाब से नंबर 3 होता है, जो कि जुपिटर या फिर बृहस्पति का नंबर है। तो आप कहीं ना कहीं नंबर 3 या फिर जुपिटर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। पहले बात करते हैं आप में प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। तो आपको कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, यानी आप हमेशा चाहते हो कि बोलते ही रहो, तो आपका उन्हीं से जमेगा जो जिनको सुनना पसंद है। अब उसके अलावा आप बहुत क्रिएटिव होते हैं, यानी कि आप किसी आर्ट फील्ड में होंगे या फिर अगर कोई दूसरा काम कर रहे होंगे उसमें भी आप जिस तरह से वो काम होता होगा उस तरह से काम आप करना पसंद नहीं करते होंगे, उसमें ज़रूर किसी न किसी तरह क्रिएटिविटी लगा के उसको अलग ढंग से करने की कोशिश करते होंगे। ये दो प्रमुख विशेषताएं आप में होती है, एक तो आप क्रिएटिव होते हैं और दूसरा आप कम्युनिकेशन जो होता है आपका बहुत अच्छा होता है, आप हमेशा कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है तो आप देने वाले होते हैं, यानी आप रिलेशनशिप में किसी के साथ जाते हैं तो आप हमेशा देने की कोशिश करते हैं। यहीं पे कभी ना कभी गड़बड़ हो जाता है क्योंकि सामने वाले को लगता है कि ये तो हमेशा देगा ही, तो उससे इस इंटेंशन से कि चलो इससे लेते हैं, इस इंटेंशन से आपसे बहुत लोग जुड़ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा देने की कोशिश मत कीजिए, ये भी देखिए कि उधर से रेसिप्रोकेट हो रहा है कि नहीं, उधर से भी कुछ आपको मिल रहा है कि नहीं, ये भी ध्यान दीजिएगा, तब आपका रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा चलेगा। उन लोगों को ढूंढें जो आप ही की तरह हैं, जो देने में भी बिलीव करते हैं। अब करियर का जहाँ तक सवाल है तो आप किसी भी ऐसे करियर में बहुत ज़्यादा सफल होंगे जहाँ बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप बोलने में महारत हासिल है आपको, आप बहुत ज़्यादा बोलना पसंद भी करते हैं। तो अगर किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़ते हैं जैसे सेल्स का काम जहाँ पर बहुत ज़्यादा बोलना हो, तो ऐसे काम में भी आप बहुत अच्छे होते हैं, या फिर ज्योतिष का काम, किसी तरह से भी आप अगर इस साइकिक फील्ड से भी जुड़ते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हैं। कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पर बहुत ज़्यादा बोलना हो तो आप बहुत अच्छा करेंगे। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बताई आपकी प्रमुख विशेषताएँ करियर और रिलेशनशिप के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए। किसी तरह की भी अगर आपको शिकायत हो या फिर आपको लगता हो कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, मेरा नाम सी से है फिर भी ऐसा नहीं हूँ मैं, तो वो भी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कुछ भी आपको मुझे मेरे बारे में बताना होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको बनाकर मैं दिखा सकूँ। अभी के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डी वाले लोगों के साथ, जो जिनका नाम की शुरुआत डी से होता है। थैंक यू।